काका कालिलकर यहाँ अपने घर के बारे में अपनी बहन से कुछ बातें बताते हैं। उसमें अपने घर में जितने भी पेड़ पौधे लगाए हैं वहाँ के मौसम के बारे में वह उजागर कर देते हैं। यहाँ सर्दी अच्छी है, सर्दी का मौसम चल रहा है और अच्छी तरीके से सर्दी दिखाई देने लगी। और उनके घर में जितने भी फूल है, फूलों में गुलदाउदी, क्रिजेंतिमम फूल बहार में है। लेखक कहते हैं कि ये जो गुलदाउदी है जिन्हें डार्क रंग के फूल कहा जाता है, जैसे सेवंती कहा जाता है, तो ये इन फूलों में बहार आ चुका है। इसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और होठों को सीकर बैठ गई हो। ऐसी बात है, इसकी विशेषता है कि जब गुलदाउदी के फूल बाहर आ जाते हैं लेकिन महीनों तक ये खुलती नहीं है कली, ये उसकी विशेषता है। जैसे कि किसी के पेट में कोई रहस्य की बात भर दी गई हो और उसी होठों को सिकर बैठ गई हो, ऐसी ये कलियाँ है। जब खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। दूसरी विशेषता लेखक बताते हैं कि ये जब फूल खिलता है तब एक एक पंखुड़ी करके ये फूल खिलता है। उसके बाद में वह कहते हैं विशेषताओं के बारे में, कहते हैं कि वे टिकते हैं बहुत। ये जो फूल है गुलदाउदी के फूल है, टिकने में ज़्यादा समय तक टिकने वाला ये फूल है, ऐसा ये गुलदाउदी की विशेषताओं के बारे में लेखक कहते हैं। गुलाब भी खिलने लगे, उनके घर में गुलाब का भी पौधा है और वह भी खिलने लगे हैं, ऐसा भी कहने लगे हैं। कॉस्मोस के दिन गए हैं, उन्होंने बहुत आनंद दिया है। कॉस्मोस के फूल यहाँ आए और उन्होंने हमें बहुत आनंद दिया। जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहाँ से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए, इतने सुंदर फूल दिए। वो काका साहेब कालिलकर कहते हैं कि मैंने रास्ते पर एक पौधा देखा जिनिया का, रास्ते में आने जाने वाला कोई भी उसकी कली तोड़ता था। मैंने सोचा कि इस पौधे को क्यों ना हम अपने घर लेकर चले जाएं। और उन्होंने उसे निकालकर, उस पौधे को वहाँ से निकालकर अपने सिरहाने के पास, चारपाई के पास उन्होंने लगा दिया है। इसने इतने सुंदर फूल दिए, इतने सुंदर फूल दिए। उन्हें ऐसा लगता था कि आँखों में उत्कटता या से बोलती ये फूल दिखाई देते थे। तीव्रता से वह हमें कुछ ना कुछ बोलना चाहता है, ऐसा वो फूल दिखाई देता था। दो एक महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। उसने दो एक महीने फूल दिए और अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे वहाँ से अपने सिरहाने के पास से उसे हटा दिया है। काका साहेब कालिलकर यहाँ अपने घर में जितने भी पेड़ पौधे हैं या वहाँ के मौसम के बारे में यहाँ उन्होंने उजागर किया है।